लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसलिए मैं आशा करता हूं कि समाज कल्याण कार्यों में मुझे आपका पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मैं कोई सरकारी या गैर सरकारी नेता नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा सेवक हूं आप भाइयों बहनों और माताओं का। मुझे बापू के पवित्र नाम को बेचने का कोई शौक नहीं है, पर मैं ये अवश्य कहूंगा कि अगर कोई इस देश में आज बापू के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयत्न कर रहा है तो वो मैं हूं। और क्या हुआ? शायद दिल का दौरा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मीटिंग जारी रखो। हाँ। मैं जाता हूँ। अच्छा अच्छा। भाइयों और बहनों, नेताजी अचानक अस्वस्थ हो गए। आप पहचाना मुझे योर ऑनर? मैं वही जानिसार हूं जिसे आपने आज से 11.5 साल पहले ऐसी ही अदालत में इस आदमी, इस जानवर, इस राक्षस के कत्ल के जुर्म में 20 साल कैद सख्त की सजा दी थी। पहचाना? याद कीजिए अपना फैसला योर ऑनर। खोलिए अपने अंधे कानून की वो आंखें जो उस दिन मेरी बेगुनाही न देख सकी थी। हां, आज मैंने इस शैतान का कत्ल किया है, और इसलिए कत्ल किया है क्योंकि इसे जीने का कोई अधिकार नहीं था। हां, आज मैंने दुनिया के इस बदतरीन इंसान का कत्ल किया है क्योंकि आपके कानून के पास वो आंख ही नहीं है जो इसका जुर्म देख सके। हां, मैंने इसका कत्ल किया है, और इसलिए कत्ल किया कि यह मेरी बीवी ज़किया और मेरी बेटी नीलो की मौत का जिम्मेदार था। हाँ, मैंने इसका कत्ल किया, और इसलिए कत्ल किया ताकि मैं अपने बेगुनाह चेहरे पर इसका गुनहगार खून मलकर अपनी बीवी और अपनी बेटी के सामने सुरखरू हो सकूं। मेरी बेटी, पता है वो कैसे मरी? उसकी मां ने अपने हाथों से उसका गला घोट दिया क्योंकि ज़किया ये नहीं चाहती थी कि लावारिसी के अंधेरे में पलकर उसकी बेटी एक तवायफ, एक वेश्या बनकर रह जाए।
ये देखिए, ये मेरी बीवी और मेरी बेटी, इन्हें देख करके आपको ऐसे लगता है कि अल्लाह ने मेरी बेटी के नाम पर ऐसी बात लिखी थी क्या? क्या मेरी बीवी के नसीब में अल्लाह ने यह लिखा था कि वो अपनी फूल सी बच्ची को कत्ल करके खुदकुशी कर लेगी? ये गुप्ता उन दोनों का कातिल है योर ऑनर, और उनके खून से आप और आपके कानून का हाथ भी भरा हुआ है। लेकिन आज आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते योर ऑनर, क्योंकि आपका कानून किसी इंसान को एक ही जुर्म के लिए दो बार सजा नहीं दे सकता। सुना आपने? किसी इंसान को एक जुर्म के लिए दो बार सजा नहीं दे सकता। और अगर आप मुझे सजा देना ही चाहते हैं तो पहले मेरे वो साल लौटाइए जो मेरी बेगुनाही ने आपकी जेल में काटे, मेरी जकिया की आबरू लौटाइए योर ऑनर, मेरी नीलो को कब से निकालकर मेरी गोद में लाइए योर ऑनर, नहीं तो कानून और इंसाफ के इस नाटक को बंद कीजिए, बंद कीजिए न्याय और अन्याय का ये खेल, जला डालिए न्याय की अपनी ये कुर्सी जिस पर बैठकर कल ही आपने मेरी बेगुनाही को सजा दी थी, तोड़ दीजिए अपना ये कलम जिसे आपने मेरे और मेरे खानदान के खून में डुबोकर मेरे खिलाफ फैसला लिखा था। बोलिए, कर सकते हैं आप ऐसा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जज साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बोलिए, जवाब दीजिए। ना वो बोले ना जवाब दिया, बस सजा कर दी, जेल भेज दिया और फिर रिहा कर दिया। क्या हुआ भाई? आज हर बहन अपने भाई की लंबी जिंदगी के लिए उसकी कलाई पर राखी बांधकर प्रार्थना करती है। मां, दिल छोटा मत कर बेटी, ऐसे थोड़ी ही है कि वो आज भी नहीं आएगा। जिस तरह बहन को आज का दिन याद रहता है वैसे भाई भी आज का दिन नहीं भूलता। मगर हाँ, वो आए तो उसे अपने थानेदारी मत दिखाना। यही तो मुश्किल है मां, मैं थानेदार भी हूँ और बहन भी। सिर्फ थानेदार होती या बहन तो जिंदगी कितनी आसान रही होती। लेकिन थानेदार होने का यह मतलब नहीं है कि दुनिया की किसी बहन से मैं उसे कम प्यार करती हूँ। लेकिन कर्तव्य भी तो होता है ना माँ, माँ बाप भाई बहन हर रिश्ते से बड़ा। दीदी आगे है बेटे। देखा माँ, अरे साल में यही एक दिन तो भाई उनके ठाट करने का होता है। आज तो डांटने वाली बहनें भी पूजा करेंगी, मस्का लगाएंगी कि देखो भैया मेरी रक्षा करना। थानेदार जी, राखी बनवाने के लिए हाथ बढ़ा सकता हूँ कि दफा 144 लगी हुई है। ज्यादा बनो मत, भगवान ने भाई क्या बना दिया, दिमाग ही नहीं मिलता। चलो बैठो। देखा माँ, राखी बांधने के लिए भी डांट के बुलाया जा रहा है। अभी मेरा राखी बनवाने का मूड नहीं है। अगर मौका मिले तो क्या इन हाथों में हथकड़ी भी पहना दोगी? मैंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन? यानी इस्तीफा? त्यागपत्र? यार दीदी, ये तो बहुत गड़बड़ कर दिया तुमने।
अब मैं लड़ूंगा किससे? अरे तुम लोग खाना भी खाओगे या बातों से पेट भर लोगे? माँ खाना लगा दो। जो मुंह इतना लटकाना था तो त्याग पत्र दिया ही क्यों? लो दीदी, मुझसे झल्ला की नौकरी छोड़ी है ना? हट पागल, मैंने तो पिताजी और दीदी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए नौकरी की थी। सजा दिलाई, ठेंगा दिलाई, फिर ये नौकरी का ढकोसला क्यों करूं? बस नौकरी छोड़ दी। अब लगता है तुम्हारी रास्ता ठीक है। उस रास्ते पर चलकर हम हथियारों को सजा तो नहीं दिला सकते, लेकिन बदला तो ले सकते हैं। मतलब बदले की बात तुमने भी ठान ली? यही तो हम दोनों का कर्तव्य है। अब बचा ही कौन है? एक वो अंथोनी है, उसको भी मार कर ठिकाने लगा देते हैं अपन अकबर की तरह। बाय गॉड, तुमने तो कमाल ही कर दी। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, हत्या भी की और हत्यारे भी नहीं बने। दुनिया के बड़े से बड़े मुजरिमों ने भी कोई ना कोई गलती जरूर की जिसकी वजह से वो लोग पकड़े गए, लेकिन तुम तो अपना काम करके ऐसे साफ निकल गए जैसे मक्खन से तार। जरा हमें भी तो बताओ, चक्कर क्या चलाते हो? चक्कर क्या है? चक्कर क्या है दीदी, जरा सी कॉमन सेंस की बात है। पहले अमर को ले लो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। दीदी तुम्हें याद होगा कि ऐना के बिना वो बिल्कुल अंधा लगा था उस रात। तो पहले मैंने उसे फोन पर हटकाया, वो अपनी कार में भाग खड़ा हुआ। मैं उसी कार में पीछे छुपा हुआ था। मुझे देखकर वो समझ गया कि यमराज भी मेरे साथ ही आए होंगे। उसके हाथ पांव फूल गए। दीदी कमीने लोग बेसिकली कायर होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने एक थप्पड़ लगाया और कहा, अगर जान प्यारी हो तो कार से उतर कर भाग, सड़क पार कर गया तो नहीं मारूंगा, तब जाके उसकी जान में जान आई। जब उसे यकीन हो गया कि वो बच गया, मैंने उसकी आईना उतार ली। फिनिश। बाकी काम हेवी ट्रैफिक वाली सड़क ने कर दिया। हर लगी ना फिट करी और रंग भी चोखा आया। मैंने उसे मारा भी नहीं और मार भी डाला। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। और वो तो पियकर था ही। पिस्तौल दिखाकर मैंने उसे इतनी पिलाई कि पूछो मत। और मैंने उसे कहा बाथरूम में नहा, वो टब में उतर गया और मैंने उसे बाहर नहीं आने दिया। बस वो भी फिनिश। माय गॉड, तुम तो जीनियस हो जीनियस। पुलिस तो हवा भी नहीं पा सकती तुम्हारी। अच्छा वो जो तीसरा है ना, एंथन, हाँ, उसे कैसे मारोगे? बताओ। वो करके बताओ। गुड नाइट। हेलो, देवी स्पीकिंग। यस सर, प्लान के हिसाब से मैंने उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया है, वो यहीं सो रहा है। आप फौरन यहाँ आ जाइए। ओके सर। तो ये सारा प्यार भाई को गिरफ्तार करवाने के लिए उबला पड़ रहा था? छी, तुम्हारी जैसी बहन भगवान दुश्मन को भी न दे। इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, नहीं तो मैं इसे बहुत पहले गिरफ्तार कर चुकी होती। डैडी के हथियारों को मैं भी तलाश कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भाई दूसरों की हत्या करता फिरे। मैं सजा और हत्या में फर्क समझती हूँ। अरे रहने दे, न्याय और अन्याय पर भाषण मुझे मत देना। न्याय का अन्याय मैं देख चुकी हूँ, तू भी देख चुकी है। मैं देखती हूँ तू उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती। माँ, तुमने अगर मुजरिम का साथ दिया तो क्या मुझे भी गिरफ्तार करोगी? बात वहां तक मत बढ़ाओ माँ। मिस्टर विजय कुमार, गेट अप। क्या हुआ दीदी? मैं तुम्हें अमरनाथ और अकबर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ इंस्पेक्टर देवी सिंह, कि आपके सिवा और कौन ये कहता है कि उन दोनों कमीनों को मैंने मारा है? मेरे सिवा ये बात तुम कहते हो। मैं? हाँ, चलो मेरे साथ। चलो।
हम दोनों का कर्तव्य है। अब बचा ही कौन है, एक वो अंथोनी, उसको भी मार कर ठिकाने लगा देते हैं अपन अकबर की तरह। माय गॉड विजय, तुमने तो कमाल ही कर दिया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, हत्या भी की और हत्यारे भी नहीं बने। दुनिया के बड़े से बड़े मुजरिमों ने भी कोई ना कोई गलती जरूर की जिसकी वजह से वो लोग पकड़े गए, लेकिन तुम तो अपना काम करके ऐसे साफ निकल गए जैसे मक्खन से साफ। जरा हमें भी तो बताओ चक्कर क्या चलाते हो। चक्कर दीदी, जो टेप में है नहीं वो आएगा कैसे? सॉरी, सर चकरा रहा, मालिश करो। मालिश, तेल मालिश। This is not good on your part, Inspector दुर्गा देवी सिंह। तब आप दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सच कहती हूँ, मैंने इसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। यही कन्फेशन रिकॉर्ड किया था? आई एम सॉरी, चलो। अब मैं जा सकता हूँ इंस्पेक्टर दुर्गा देवी सिंह। माँ, तुम्हारा जब मेरी गिरफ्तारी पर यह हाल हो गया, तो जब दीदी मुझे फांसी दिलवाई तो क्या हाल होगा तुम्हारा? दीदी, तुमने आखिर अपनी थानेदारी दिखाई दी ना। मैं भी तुम्हारा ही भाई हूँ दीदी, तुम्हारा एक एक पुर्जा जानता हूँ। तुम कब, क्या और कैसे करोगी मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा नौकरी से इस्तीफा देना एक नाटक था, ये भी मुझे मालूम था। जब तुम मेरी तारीफें करने लगी कि मैंने उन दोनों को किस सफाई से मारा, तो मेरा माथा ठनका। मैं समझ गया कि तुम्हारी मीठी मीठी बातों के पीछे कोई चक्कर है। आई एम सॉरी दीदी, तुम्हारा सारा प्लान चौपट हो गया, जैसे को तैसा मिल गया। विजय, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। हमारी शुरू की बातें तो रिकॉर्ड हुई, लेकिन तुम्हारे जुर्म का इकरार क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ? अच्छा, वो हाथ की सफाई, अभी बताता। इसका नाम है माइक। अब तुम पूछोगे ये मेरे पास कैसे आया। जब तुमने मेरी तारीफों के फूल भरने शुरू किए, तो मैंने चाकू को नीचे गिरा दिया और टेबल के नीचे ढूंढना शुरू कर दिया। नजर आया टेप रिकॉर्डर, हाथ में आया माइक, फिनिश। ऐसा है मेरा क्रिमिनल ब्रेन। वाह, सचमुच तुम्हारा ब्रेन तो क्रिमिनल का ही है। दीदी, बड़ों का कहना है कि कर्ज और दुश्मन दोनों का होना अच्छा नहीं। अरे तुम तो क्या, ब्रह्म विष्णु महेश भी मुझे अंथोनी को मारने से नहीं रोक सकते। पिताजी की कसम खा के कहता हूं, उसे मारकर ही दम लूंगा। गुड नाइट।